हेलो वेलकम, मैं हूं प्रकाश और आज मैं आपके सामने आया हूं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अपने ब्राउज़र के होम को कैसे चेंज करते हैं। तो आप सोचते होंगे ब्राउज़र के होम, एक्चुअली ब्राउज़र की होम होती क्या है? तो आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह की होम पेज आपकी ब्राउज़र की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे कुछ सिंपल सा लुक आपके ब्राउज़र में आते होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह की बेहतरीन लुक के साथ आपकी ब्राउज़र कैसी दिखेगी वो जानते हैं इस वीडियो में। उसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग जानेंगे, अपने मुताबिक अपने हिसाब से कैसे उस ब्राउज़र को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने ब्राउज़र को देखती हैं तो इस तरह की सिंपल सी ब्राउज़र की इमेज दिखाई देगी। बट आप चाहते हैं कि अपने लोगोज वगैरह, आप कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है उस यूट्यूब चैनल में अपने वीडियोस क्रिएट करते हैं, जाहिर सी बात है यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और वीडियोस बनाते हैं तो जब भी आप गूगल को ओपन करेंगे या फिर अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो एक पेज पे ही आएंगे। उस पेज को हम कैसे अपने हिसाब से चेंज करें, अपने लोगोज लगाएं, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के लोगोज अपने ब्राउज़र में ऊपर इसके कर सकते हैं, उसके हेडिंग्स में कैसे अपने लोगोस के नाम दें। जानते हैं इस वीडियो में हम कैसे वो करेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बस 1 से 2 मिनट के अंदर ही। तो आप ये वीडियो देखते रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और शायद आपको वीडियो थोड़ा डिफरेंट भी लगे, तो देखते रहिए। एंड लास्टली कहूँगा, प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें सपोर्ट कीजिए। तो आपके सपोर्ट के बिना मेरा चैनल कुछ नहीं है। तो मैं हूँ विंडोज 10 के ऊपर, आप किसी भी विंडोज का यूज करें, आपको पता होगा लगभग प्रोसेस सारी विंडोज की सेम ही होती है। तो आप सिंपली गूगल को ओपन कर लीजिए, इसका मतलब है गूगल ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। तो आप देखेंगे मैं अपने गूगल ब्राउजर के होम पेज पर हूँ। तो इस होम पेज को हमें अपने लुक में, अपने नजरिए में, यानी कि देखने के तरीके को बदलनी है, इसकी क्वालिटीज को बदलनी है। तो हम कैसे के बदलेंगे, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे है सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही हमें एक नए पेज पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे है एक्सटेंशंस पे आप क्लिक कीजिए। चलिए उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे है गेट मोर एक्सटेंशंस, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे एक्सटेंशंस के वेब स्टोर पे में हम अभी उपस्थित है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सर्च द स्टोर में आप सिंपली टाइप कीजिए थीम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे है थीम्स पे क्लिक कीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे। अभी वर्किंग कर रही है, देख सकते हैं यहाँ पे हमें काफ़ी सारी थीम्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इसमें से जो भी थीम्स चाहे, रिकमेंडेशंस थीम्स आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हैप्पी न्यू ईयर का लेता हूँ तो यहाँ पे है ऐड टू क्रोम पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डाउनलोडिंग के लिए यहाँ पे इसकी प्रोसेस चालू हो गई। तो यहाँ पे थोड़ी सी समय लगी आपकी नेट की स्पीड के अनुसार, या थोड़ी सी फाइल कोई लंबी नहीं होती है, केबी में या फिर एमबी में ही रहती है, वो भी छोटी सी, और हर थीम्स के साइज अपने अनुसार से अलग ही होती है। देखते हैं यहाँ पे इसकी साइज कितनी, सकते हैं 3.6, 3.8, 3.9, 4, 4.1, ये थोड़ी सी लंबी थीम्स जा रही है, इसका मतलब थोड़ी सी लंबी है। तो यहाँ पे थोड़े से हमें प्रतीक्षा करनी होगी, देख सकते हैं यहाँ पे एडिंग टू क्रोम, सो है ये एडिंग हो चुकी होगी। तो हम नेक्स्ट टैब को ओपन करते हैं, ओहो एडिंग नहीं हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे एडिंग हो गई है। तो इस तरह की थीम्स और भी मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे फॉरेस्ट को क्लिक करता हूँ, सेकेंड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, थोड़ी सी समय लगी।
अभी ये कितनी MB की है अब उसके अनुसार ही यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। सो तो आप देख सकते हैं लगभग एडिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, थोड़ी सी समय लेती है एडिंग में। सो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एडिंग हो गई है। इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी लग रही है, इसकी क्वालिटीज़ यानी कि कलर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इस तरह की थीम्स आप रिकमेंडेशन थीम्स वैसे ही यूज़ कर सकते हैं, बट आप चाहते हैं अपने अनुसार अपने हिसाब से उस थीम्स को क्रिएट करना, तो क्या करेंगे उसके लिए मैं फिर से थीम्स में जाता हूँ, यहाँ पे थीम क्रिएटर में जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने थीम्स अब लगभग सेलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ कि एप्स, एप्स में जाइए, उसके बाद थीम क्रिएटर, थीम क्रिएटर रिज्यूम यहाँ पे टाइप करेंगे तो ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे थीम क्रिएटर, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली विजिट वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, तो हम अभी है थीम्स क्रिएटर की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम इसे इमेज में सेंस करनी है, अपने हिसाब से इसकी लुक देनी है, तो यहाँ पे अपलोड एन इमेज, यहाँ से इमेज अपलोड करके यहाँ पे बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ तो एनटीपी बैकग्राउंड, एनटीपी बैकग्राउंड में यहाँ पे देखते हैं चूज इमेज। तो आप यहाँ पे चाहे तो इमेज यूज़ कर सकते हैं, अपने लोगोज वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी सिंपल कलर का यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई अच्छी लोगोज नहीं है इसकी बैकग्राउंड के लिए, तो मैं सिंपल कलर। एंड नेक्स्ट फ्रेम में आते हैं, तो फ्रेम के लिए मैंने पहले से इमेज तैयार रखी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली। उसके बाद टूल बार में आते हैं, तो टूल बार की कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब टूल बार की कलर अपने हिसाब से चेंज कीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे इमेज यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इसे ब्लू रखता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू काफ़ी अच्छी लग रही है, खैर आपकी मर्जी आप क्या रखना चाहते हैं, मुझे ब्लू अच्छी लग रही है तो ब्लू ही मैं रहने देने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे टैब बैकग्राउंड, टैब बैकग्राउंड आप क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टैब है, इसकी बैकग्राउंड कलरिंग्स कैसा आप रखना चाहते हैं। सो मैं ब्लू रहने देने वाला हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ फ्रेम ओवरले, सो फ्रेम ओवरले को मैं क्या करूँ, खैर इसे मैं छोड़ ही देता हूँ, चलिए फ्रेम ओवरले का मैं यूज़ अभी नहीं करता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ कलर पे, कलर में स्टेटस बार का कलर क्या रखना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस बार जो यहाँ पे डाउनलोड वगैरह जो होगी उसकी कलरिंग्स को ब्लू, चलिए ब्लू ही रहने देते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ टैब टेक्स्ट, यानी कि टैब पे जो टेक्स्ट है उसकी वाइट, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वाइट। उसके बाद हम आते हैं बैकग्राउंड टैब, क्या रखना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं वाइट ही अच्छी लगेगी क्या, चलिए मैं वाइट ही रखता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं वाइट आ गई। उसके बाद यहाँ पे आते हैं बुक मार्क टेक्स्ट, ये सब जो बुक मार्क होती है बुक मार्क टैब की टेक्स्ट जो यहाँ पे टेक्स्ट है उसकी चेंज, यहाँ से आपके सारे को मैं वाइट ही रखने वाला हूँ। चलिए एनटीपी टेक्स्ट वाइट, जनरली सारे को मैं यहाँ पे देख सकते हैं वाइट, बटन टेक्स्ट एंड कंट्रोल बटन्स ये सबको आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट आते हैं पैक, पैक पे क्लिक कीजिए एंड लास्टली यहाँ पे पैक एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, थोड़ी सी समय लगी। देखिए यहाँ पे ऐड थीम पे क्लिक कर दीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए सारे को मैं यहाँ पे करता हूँ, उसके बाद काफी अच्छी लुक में आएगी। देख सकते हैं मैंने इसे काफी जनरल लुक दी है फिर भी काफी अच्छी लग रही है, यहाँ पे देखिए ब्लू कलर काफी अच्छी लग रही है, यहाँ पे जो मैंने अपने चैनल का लोगोस लगाए हैं, लोगो नहीं मैंने अपने चैनल का नाम सो यहाँ पे दिए हुए हैं, सो काफ़ी अच्छी भी लग रही है। इसकी टैब्स की क्वालिटीज़ वगैरह, इसकी हेडिंग्स की क्वालिटीज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड इस पे मैंने अपना कोई लोगोस नहीं यूज़ किया, तो इस पे आप इजीली कोई अपना लोगोस
यूज़ कीजिए और भी बेहतरीन क्वालिटी में आएगी और भी अच्छी लगेगी। खैर मेरे पास लोगोज नहीं थे इसलिए मैंने इसका यूज़ नहीं किया, सो आप इसका यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पे कोई भी इमेज डाल सकते हैं कहीं भी, सो आप यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर है। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी इजी वीडियोस लगी होगी, सो